एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। जहां देखो सिर्फ पठान का ही नाम हर जगह हर किसी की जुबान पर है। यही नहीं, पठान बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने की मशीन बन गई है। जी हां, 5 दिन में ही बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पठान ने। शाहरुख खान की पठान ने इंडिया में पहले ही दिन 57 करोड़ की रिकॉर्ड ओपनिंग की और 5 दिन में कलेक्शन का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि बॉक्स ऑफिस पर तहलका मच गया। हर दिन पठान नए नए रिकॉर्ड सेट कर रही है। 4 साल बाद किंग खान ने पठान से कमबैक किया तो वहीं सिनेमा घरों में भी रौनक लौट आई है। शाहरुख के फैंस उन पर भर भर कर प्याल उठा रहे हैं। 10 साल पहले 2013 में आई चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख के करियर की बड़ी फिल्म थी जिसने 227 करोड़ की कमाई की थी, तो वहीं महज 5 दिन में करीब 281 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है पठान ने और इसी के साथ ये उनके करियर की अब तक की बड़ी फिल्म बन गई है। साथ ही साथ ये फिल्म बॉलीवुड की टॉप 10 कमाऊ फिल्मों में भी शुमार हो गई है और तानाजी को पीछे छोड़कर तानाजी की जगह ले ली है। ओपनिंग वीकेंड में KGF 2 में ऑलमोस्ट 194 करोड़ कमाकर बॉक्स ऑफिस को हिला दिया था, लेकिन पठान ने 271 करोड़ कमा लिए हैं जो कि हिंदी फिल्मों के इतिहास में सबसे बड़ा पहला हफ्ता कमाई के मामले में पठान सबसे आगे निकल गई है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 5 दिन में ही 542 करोड़ रुपए कमा चुकी है पठान। इतिहास के पन्नों में पठान हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर के तौर पर अपना नाम दर्ज करा चुकी है और भी ना जाने कितने रिकॉर्ड सेट करने वाली है पठान। बहरहाल पठान की इस कामयाबी को लेकर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर हमें कॉमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए JBT एंटरटेनमेंट के साथ। नमस्कार।